कोरोना की महामारी में राज्य और केंद्र सरकारें राहत पहुंचाने में लगी हुई हैं, तो वहीं राशन में गड़बड़ियों की शिकायतें भी आने लगी हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है, जहां कांग्रेस के एक विधायक ने इस गड़बड़ झाले को पकड़ा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पत्र भी लिखा है। ग्वालियर के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का कहना है कि शासन के द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में राशन बांटा जा रहा था, जिसमें 10 किलो के आटे का कांटा था, लेकिन जब आटे के कट्टे को तोला गया तो उसमें 7 से 8 किलो आटा निकल रहा है, जिसकी शिकायत मिलते ही वो खुद कंट्रोल पहुंचे तो वहां भी ये स्थिति मिली। आनंद फानन में फूड विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सारे राशन को जब्त कर लिया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस स्तर पर यह गड़बड़ी की गई है। लोगों का आरोप है कि उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा, जिन लोगों को मिला है उसमें भी गड़बड़ी की जा रही है। ये जो 10 किलो का पैकेट है, किसी में 6 किलो आटा है, किसी में 7 किलो है, किसी में 8 किलो है। अभी मैं बाहर 44 में खड़ा हूँ, भयंकर भीड़ लगी है, लोगों में आक्रोश हो रहा। पूरा सील पैक्ड है, 10 नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं है। ये 10 किलो में अगर 7 किलो निकल रहा है, 8 किलो निकल रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। 6 किलो निकल रहा है, ये हालत है। पूरे पैकेट सील्ड है। नहीं, ये आप इसका तुरंत ये जांच करवा लें, ये भाई साहब एक मिनट तो इस संकट के दौर में भी, जब पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, एक एक गरीब के परिवार में चूल्हा जलने में, एक वक्त की रोटी खाने में तकलीफ है, उस समय भी मैं भी जो सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में आज मेरी विधानसभा में जो राशन बांटा जा रहा है, इसमें 10 किलो का पैकेट है, किसी के अंदर 6 किलो है, किसी के अंदर 7 किलो है, किसी के अंदर 8 किलो है। प्रशासन की और लोगों की इस प्रकार की लालच की भावना देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि गरीब की आह ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल चटाती है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला।